इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज खास मुलाकात हमारे मेहमान खुसूसी है जनाब दस्तगीर आगा साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कुलहिंद नायब सदर हैं, जिम्मेदार भी हैं, लिहाजा आज हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे सवालात लेकर हम उनके साथ आज रूबरू हुए हैं। दरअसल पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो एक तरह का माहौल बना हुआ है कि कोरोना वैक्सीन हो या तो फिर वसीम रिजवी जो शिया व बोर्ड चेयरमैन है, किसी न किसी मुस्लिम मुखालिफ बयानात अक्सर देते देखा जा रहा है। फिर एक बार उन्होंने नई यानी कि एक कॉन्ट्रोवर्सी को एक उसको मुंह खोलते हुए कंट्रोवर्सी का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने एक बात कही है कि कुरान की 26 आयतों को नौज़बिल्ला इसे निकाल दिया जाए कुरान से। खैर तमाम तर मसाइल हैं, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस बढ़ रही है, लेकिन लोगों के अंदर एक तरह की खामोशी देखी जा रही है। पता नहीं कि लोग क्यों खामोश है। नफसा नफसी का आलम है, गरीब जिंदगी दो वक्त की रोटी जुटाने में उसे कसरत करनी पड़ रही है। लिहाजा इन तमाम सवाल के साथ हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर जनाब दस्तगीर आगा साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल। ये जो माहौल देखा जा रहा है पूरे मुल्क में जिस तरह से कि महंगाई बढ़ रही है और एक तरह से अदलिया इंतज़ामिया पूरा जो है एक RSS कंट्रोल्ड होता देखा जा रहा है, वही जो है ये वसीम रिजवी का भी मामला है कि कुरान की आयतों को लेकर उन्हें एतराज है, तो ये तमाम चीज़ें क्या कहती हैं और किस दिशा में आप इसे देखना चाहते हैं? मैं सबसे पहले इत्तेहाद न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऐसे संजीद ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को उठा रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं और लोगों में एक जागरूकता लगा रहे हैं। मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारे खास करके हमारे जो इकबाल जकाती हैं इनका जो जोश और खरोश जो कौम के अस्तर उनकी जो हमदर्दी है, मैं उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको उनके हौसला अफजाई करूँ। अल्लाह उनको कामयाबी दे। अब रहा ये रिजवी, ये रिजवी का जो ये है रिजवी का, इसको हम एक दो तरीके से देखेंगे। एक तो इसका टाइमिंग, बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी के पास ज़्यादा कोई मुद्दे नहीं है, बीजेपी सरकार बदनाम हो चुकी है, वोट पोलराइजेशन करने के लिए ये उठाया जा रहा है। लेकिन दूसरा जो इसका जो हिस्सा है, ये शिया लोगों की अगर इनकी पुरानी अगर हिस्ट्री आप देखेंगे, ये ऐसा ही मुनाफिकगिरी का काम करते हैं। जब भी मुसलमान कौम अगर आप हिस्ट्री का मुतालबा करेंगे, जब हर ज़माने के अंदर वो चाहे सलाउद्दीन अयूबी का ज़माना हो या उसके हजरत अली का ज़माना हो या उसके पहले के जो भी ज़माना हो या हमारे मुग़लों का ज़माना हो, जो भी ज़माने में आप देखेंगे, जब भी मुसलमान की एक जो कौम है एकदम खस्ता हालत में जब आती है तो आखिर में ये ओपन आते हैं। ये पीछे से बहुत सारे षड्यंत्र करते रहते हैं, बहुत सारे एक नहीं खेल खेलते रहते हैं, लेकिन जब सामने आके इतना बोलना, इनकी इनकी कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई और वो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कुरान के आयतों को तरमीम करना, कुरान में ज़ेर ज़बर को तरमीम करना, ये किसी भी बस की बात नहीं है। लेकिन ये इनकी जो मुनाफिकत है, इनकी जो बुजदिलाना हरकत है, ये ऐसे ही टाइम में, तो ये हमारे को आज समझना है, मुसलमानों को आज समझना है कि मुसलमान ये जो इन्हें जो इतने ये जो कोशिश कर रहा है कि बढ़ चढ़ को जो बोलने की कोशिश कर रहा है कि इतना सामने आके एक रिट पिटीशन फाइल करना, फिर एक टीवी इंटरव्यू देना और एक पूरे इस्लाम पूरे जो 1400 साल से पूरे दुनिया पे जो गालिब आया, और ये मैं बोल रहा हूँ या मुसलमान बोल रहे हैं, नहीं, बड़े बड़े स्कॉलर इकोनॉमिस्ट बोले हैं कि इस्लाम इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द वर्ल्डली अफेयर्स। वो चाहे कौन सा भी मसला रंदे, चाहे माशरत का मसला रंदे, चाहे कोई भी मसला रंदे, वो मसले के अंदर अब ये आके ये बोलना, उसके टाइमिंग के ऊपर बोलना, ये सरासर मुनाफिकत है और ये शिया लोगों की एक हमेशा सी एक ये रही है।
एक उनकी एक जो है पॉलिसी एक उनकी एक रही है वो, और इसका मैं नहीं समझता कि कुछ इसका इफेक्ट होने वाला। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि आजकल आज के तारीख में अभी हर हिंदुस्तान का आदमी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने की उठाई जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ हिस्से जो है कुछ उसके जो मतलब उनके जो एक उनके जो जजमेंट्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं, बड़े बड़े जूरिस्ट जो हैं बड़े बड़े वकील जो है वो उसके ऊपर उनको तनकीद कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये हमारे इस ये मामले में क्या महंगा नहीं महंगा वो एक अलग बात है, लेकिन इसका ये जो मुनाफिक क्या है और इसकी एक बुजदिलाना हरकत है ये कुछ काम आने वाली नहीं। नहीं लेकिन उलमा भी खामोश है इस पर। हाँ उसके अंदर मैं वही बोला ना कि हमारे कौम के लोग ये देखना है कि अभी इसमें उलमा का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि कौन से 26 आयतों के तरफ वो इशारा कर रहा है, वो आयतों का कौन से इसके अंदर है, वो मक्की आयतें हैं मदनी आयतें हैं कौन से इसके अंदर है। हाँ क्योंकि जहाद का तो असल मरहला चालू हुआ वो मदीने में हुजूर के मदीनी ज़िंदगी में चालू हुआ, मक्की ज़िंदगी में तो नहीं था। तो वो कौन से इसके अंदर उन्होंने जो बोले सो ये उलमा लोग हैं इसके ऊपर खुल को खुलासा करना, बेझिझक इसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कहने हमारी जो एक जो बात है, क्योंकि ये बात हमारे हमारे अस्तित्व से है, ये हमारी बात जो है हमारे हमारे वजूद से लिंक्ड है। कुरान हमारा वजूद है, कुरान के बगैर मुसलमान हो नहीं सकता, हमारे वजूद से लिंक्ड है। तो इसमें उलमा लोग जो है खुल के इसके ऊपर आके बात करें। अब जैसे देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी को मर्ज कोरोना की जो वबा है इसको फिर से लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को देने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, बुज़ुर्गों को देने की बात कही जा रही है। फिर पहले पहले तो यहाँ के बड़े सियासतदान भी नहीं ले रहे थे, फिर अब जो है उन्होंने ये भी दलील दिखाई कि देखो प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं वज़ीर दाखिला भी ले रहे हैं। अब आज उन्होंने फिर से एक नया कानून ये गाइडलाइन जारी किया कि 200 लोग रहेंगे इजलास जो आवामी इजलास रहेंगे उसके अंदर तादाद घटती जाएगी। ये जो अब फिर से एक बार कोरोना का माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों में वैक्सीनेशन जबरदस्ती की जा रही है, तो ये क्या है मामला, आप इसको किस नज़र में देखते हैं? नहीं कोरोना जो बीमारी है वो एक वबा है, पूरे दुनिया में फैली हुई है। आज इंडिया में 1,10,00,000 के करीब उसके पेशेंट्स बने, फिर अमेरिका में 1,98,00,000, 2,98,00,000, तो इंडिया से 3% ज़्यादा है वहाँ कोरोना ये है। लेकिन एक्चुअली इसका क्या है, क्या सिंड्रोम है, ये क्या किस तरह की एलर्जी है, अभी तक इसे साइंस से इसे कम्प्लीटली रिकॉर्डेड नहीं। और आप टीवी में देखे रहेंगे आप बहस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो बहस है उसके अंदर ये है कि एक वैक्सीन या किसी भी है, आप आज से कहने जब इसके 1918 में जब वो फ्लू आया था तो वो टाइम उसकी वैक्सीन निकालने के लिए कम से कम 5 साल लगे थे। तो आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमारे को कम से कम 1 साल 1.5 साल लगना था रिसर्च करने के लिए, लेकिन इतने जल्दी उसका रिजल्ट आया और जो वैक्सीन आ रही है। तो इसके ऊपर बड़े एक्सपर्ट्स जो जो साइंस के अंदर मतलब जो मेडिकल साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है कि ये कहाँ ना कहाँ ये इसके इफेक्ट्स और इसके इफेक्ट्स नेगेटिव भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो उसके अंदर मेरे थोड़े डॉक्टर्स के साथ बात हुई तो बोले कि रिएक्शन कौन सी भी चीज़ का हो सकता है, चॉकलेट का भी हो सकता है, कौन सी भी छोटी चीज़ का रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसा एक दो पेशेंट मरने से ये नहीं, लेकिन मैं और भी थोड़े लोगों से कहने मतलब हमें ये करें कि ऐसा एक्सपर्ट्स की न्यूज़ है या भाई थोड़े ये है। तो अब उनको लोग क्या बोलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट करते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के हिसाब से बात क्या हो रही है कि ये जो ये कोरोना का जो डीपॉपुलेशन करने का जो एक एक एजेंडा है और वो मैसोनिक एजेंडा है और वो एजेंडे के तहत ये काम होते जा रहा है। अभी अल्लाह आलम इसके ऊपर
है करके भी बोलने के लिए कुछ हमारे पास नहीं है, नहीं करके भी। लेकिन हमारी एक राय ये थी कि पहले भी हम ये राय करें कि इसके ऊपर तहकीक करो, अच्छी तरीके से तहकीक करो और इसके ऊपर ये करो। इसके जो इफेक्ट, अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो अभी जो हम वैक्सीन के थ्रू एजेंट्स जो हमारे इसमें जो जिस्म में जो डाले जा रहे हैं, उसके बाद में एक 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल के बाद में, क्योंकि वो जो दवाई के जो उसके जो एजेंट्स रहते हैं, उसके जो बैक्टेरियाज, उसके जो भी है उसके हमारे बॉडी में रहते हैं, उसके बाद में उसके उसको रिएक्ट करने वाले अगर कोई एजेंट्स उसको, वो अगर किसी भी खाने में कुछ सब्जी में या कुछ खाने में चिकन विकन में डाल के अगर देंगे वो रिएक्ट करेंगे, तो तब हमारे को इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में और ब्रिटिश कंट्रीज में भी इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई, प्रोटेस्ट भी किए गए, मुहिम चल रही है, यहाँ इंडिया में भी चल रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसे एक सियासी हरबा के तौर पे इसे देखा जा रहा, इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी आप यूपी में देखे, बंगाल में देखे और इसके पहला महाराष्ट्र में देखे, तो ये क्या कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के, अब दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो इसे एक सियासत बना के काम कर रहे हैं कि फ्री वैक्सीनेशन देने वाले इसकी ये होता है। और इसमें सब में बड़ा जो है जो वैक्सीन बनाने वाले जो कंपनीज है, वो कंपनीज जो है जैसा है कहना है, वो कंपनीज का एक अलग तरीके से उनका प्रेशर चल रहा है, वो अपने मुनाफे के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। आज इंडिया इतना आप देखते रहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ अभी जंग के कगार पे हम पहुंचे थे चाइना के खिलाफ, लेकिन आज इंडिया जो है पाकिस्तान को इमदाद के तौर पर, डोनेशन के तौर पर इसके वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान दे रहे हैं। तो इसका एक आम आदमी जो है, एक आम हिंदुस्तानी जो है, मैं हिंदू मुस्लिम तो नहीं कहूँगा, एक आम हिंदुस्तानी इसका क्या मतलब लेगा? तो ये कहाँ ना कहाँ सियासत हो रही है, कहाँ ना कहाँ इसकी सियासत हो रही है। और इसका और ये जो पॉलिसीज है इसका बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। क्यों नहीं, यहाँ से महाराष्ट्र बेलगाम से अगर महाराष्ट्र जाते हैं या फिर गोवा जाते हैं, केरला जाते हैं, क्योंकि ये 3 रियासतों से सटा हुआ, बेलगाम एक मुल्क है, बेलगाम एक शहर है जो महाराष्ट्र गोवा से सटा, यहाँ से अगर जाते हैं तो उसके लिए आपको स्वैप टेस्टिंग वगैरह की बात कही जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग और मोबाइल के अंदर ये जो है रिंगटोन कॉलर ट्यून ये जो चल रहा है, फिर ये सियासी इजलासों में लाखों की भीड़, खुद प्रधानमंत्री और वजीर दाखिला इनके हमारे गृह मंत्री जुटाते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों इस तरह से? ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी 2-4 दिन के पहले मैं खुद गया था, कोल्हापुर गया और हम कार में गया है, तो आते टाइम हमारे को रुकाए, एक्चुअली हमारी गाड़ी जो है केएल पासिंग थी, वो केरला पासिंग की थी, गाड़ी को हमारे को रुकाए, तो हमारे के पूछे, हम उधर ने हम घंटे के लिए गए थे, तो वहाँ पर तो हमारा मामला निपट गया। लेकिन वहाँ पे आप जैसा बोले वहाँ स्वैप टेस्टिंग हो रही है, और वो जगह पे हम देखेंगे तो तमिलनाडु में इतने बड़े बड़े रैली हो रही है, बंगाल में इतने बड़े, बंगाल में तो आए दिन लाखों की भीड़ जमा हो रही है, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, किसान आंदोलन चल रहा है। तो ये सब जो है ये इंसान के जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, इंसानियत के साथ खेला जा रहा है अपनी सियासी मकसद। अच्छा, महंगाई पर खामोश आवाम क्यों? महंगाई के ऊपर आवाम खामोश है, ये एक मैं तो समझता हूँ कि एक आवाम को एक नशे के अंदर है कि वो इसके ऊपर आवाज नहीं उठी। जहाँ तक सरकार का सवाल है, धर्म का नशा है आवाम के ऊपर है कि धर्म का नशा है, वो उसके ऊपर ये हो रहा है। लेकिन सरकार का जहाँ तक सवाल है, सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, क्योंकि जितना भी बिजनेस है सरकार उसको कंट्रोल के ऊपर नहीं है। जैसा पेट्रोलियम को उसमें निकाल दिया, वो एक प्राइवेटाइजेशन है। आज वो रिलायंस का, आज पूरे इंडिया में जो पेट्रोल बिकता है 60-65% रिलायंस का पेट्रोल बिकता है, बाकी का 35% के अंदर हम हैं। आज IPCL के अंदर भी रिलायंस का स्टेक है, दूसरे भारत पेट्रोलियम में भी रिलायंस का स्टेक है, तो ये रिलायंस का पेट्रोल की मोनोपोली है उनके ऊपर।
तो वो उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं करते। आज रेलवे का किराया बढ़ा रहे हैं, रेलवे एक्चुअली गरीबों के लिए और एक माल ढुलाई के लिए और एक हिंदुस्तान की सेवा के लिए रेलवे थी, और वो नियत से आज हमारे आज से 150 साल पहले हमारे लोगों ने हमारे कुर्बानी दे के जगह की कुर्बानी दे के रेलवे बना दी। लेकिन रेलवे आज पूरी बिक गई। आज रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट आज 30 रुपये में बिक रही है। हाँ, आज एक ना एक प्राइवेट रेलवे चल रही है, और जो भी वो जो कम दाम में जो पैसेंजर ट्रेन चलते थे उसको सबको बंद कर दिए। तो ये बहुत ये, और एक रेलवे का एक इसका नहीं है। अभी अभी एक ये होता था, मैं हमारे बहुत सारे लोगों के साथ में मेरी बहस होती थी कि ये जो हाईवे के ऊपर जो टोल नाके लगते हैं, टोल नाके के ऊपर वो बेचारा जो गरीब आदमी जो बैठ के टोल कलेक्शन रहता है, जिसका जो 3,000-5,000 रुपये में काम करते रहते, तो उसके साथ 5-10 रुपये के लिए उसके साथ झिकझिक करते थे हमारे लोग। मैं बोलता था गरीब आदमी को बोल के फ़ायदा क्या है, ये जो बाहर जो बैठे हैं कॉरपोरेट लेवल वाले, ये इनका इनके साथ। तो अभी वो भी खिचखिच खत्म हुई, आज फास्टैग लग गया। तो अब वो फास्टैग के अंदर अभी हम जब 5 रुपये बढ़ाया 10 रुपये बढ़ाए, वो एक गरीब के साथ झिकझिक करते थे, लेकिन फास्टैग में तुम्हारे 50 बढ़े क्या 100 बढ़े कौन भी पूछने वाला नहीं, कंट्रोल नहीं। ऐसा ही बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग के अंदर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है 60% स्टेक बिकती, मोदी आते 10% बेचा, 70% बिका। अभी ये बजट के अंदर हाउर बैंकिंग का स्टेक, अभी 80-85% बैंकिंग स्टेक बिका था। नाम के लिए हमारी को दिखती है स्टेट बैंक हमारी, यूनियन बैंक हमारी, लेकिन उसका पूरा स्टेक ऑलरेडी बिक चुका है सर। और वो जो है वो जो एक ड्रॉकेला एक खून पीने वाले इतने बैंकर्स जो है, एक खून पीले आम आवाम का। ऐसा है, मैं आपके लिए एक छोटा उदाहरण देता हूँ मैं, कि आपको एक किलो चावल की आपको ज़रूरत है, आपके घर में आपकी 1 किलो चावल की ज़रूरत है, या एक आपको एक गाड़ी लेना है, आपको एक ना एक 10,000 की गाड़ी लेने का है, ना तो 1 लाख की गाड़ी लेने है। वो गाड़ी लेने के लिए आप गए शोरूम में, गए आपको पसंद आए, कलर लिए, लेकिन इसके बीच में कोई एजेंट है क्या? 1 किलो चावल लेने के बीच में कोई एजेंट है क्या? 1 लाख की गाड़ी लेने के लिए कोई एजेंट है क्या? चावल है 40 रुपये किलो का, गाड़ी है 1 लाख रुपये की, इसके बीच में एजेंट नहीं, एक प्रोस्पेक्टिव बायर एक प्रोस्पेक्टिव सेलर। लेकिन इसके बीच में आप बैंक एक एजेंट बन के आ गए, क्योंकि आप जो भी पैसा देंगे बैंक के थ्रू देंगे, पेटीएम करो जो भी करो, और वो पैसा जो है उनकी कमीशन काटे जाने। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बायर एक सेलर, एक खरीदने वाला एक बेचने वाले के बीच में बैंक एक एजेंट बन गया, जबरदस्ती की एजेंट। तो इसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं, और सरकार तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ ये आवाम का काम है, आवाम समझना, क्योंकि आज बड़े बड़े हम व्यापारी हैं मार्केट के अंदर, हमारा कलेक्शन जब बैंक में भरने जाते हैं तो पूरा बैंक पहले लेती थी, डिपॉजिट लेती थी, ये करती थी, लेकिन आज जो है आज 1 लाख रुपए जमा करने जाओ वो तुम्हारे को एक कट कर रही है। नहीं, भारत में एक देखा जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, चूल्हा जलाना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद आवाम खामोश है। क्या इसलिए क्योंकि आवाम को राम मंदिर दिया जा रहा है, 3 तलाक दिया जा रहा है, तो इस तरह के कानून दिखाए जा रहे हैं, किसी एक समाज के खिलाफ एक जहनीत बनाई जा रही है, क्या ये लोग इसलिए खामोश है? कैसा लगता है ये तो ये मैं आप जो नशे की बात बोला है, राम मंदिर का ही नशा है। ये राम मंदिर का ही नशा है। देखिए, अगर आपको राम मंदिर बनाने का रहता था तो आप दो कब का बना चुके हो। सही, आज भी उनके राम मंदिर के नाम के ऊपर हजारों बार पैसा उठा चुके हैं और पैसा खा चुके हैं, आज भी पैसा उठाया जा रहा है। लेकिन उठाने के बाद में मैं बोलता हूँ कि एक नहीं, अगर वो तुम्हारे को एक नए राम से उतना प्यारा है तो आप जल्दी बनाओ मंदिर, लेकिन मंदिर नहीं बना रहे, क्योंकि इनको उसको जिंदा रख के ये जो एक ना गैस का, ये जो पेट्रोल का, ये जो महंगाई का, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज को दबाने के लिए वो राम मंदिर नहीं बन। तो भगवान के नाम से भी इनकी सियासत खेली है। तो ये काम जो है ये मोदी खराब है, या अमित शाह खराब है, या मनमोहन सिंह खराब है, या राहुल गांधी खराब है, ये बोलने का नहीं है। ये आम आदमी को समझने की बात है। एक आम आदमी जो है जिसका चूल्हा
कैसा चलने वाला, उसके बच्चे की फीस कैसा भरी जाने वाली, उसके लाइट के बिल कैसा भरे जाने वाली, हाँ उसको वो आदमी को आम आदमी को समझ में। और अभी ये जो वैक्सीन का जो मामला है इसके अंदर उसके जान पे बनने हुए, आज ये करोना के नाम के ऊपर जो करोना से जो मरे सो अल्लाह, देखो जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। करोना से जिसके कहने जिसकी मौत लिखी गई थी वो मर गए, लेकिन करोना के दहशत से या करोना के नाम के ऊपर कितने लोगों को दवाई नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं मिला, जो दूसरे जो है कहने शुगर के बीमार जो कैंसर पेशेंट्स थे वो पेशेंट्स का इलाज नहीं होने की वजह से कितने लोग मर गए। आज इंडिया में करोना से मरने की जो तादाद है 15 लाख जो भी है, लेकिन उससे कई 100 पर ज़्यादा जो है ये जो लॉकडाउन के वजह से और ये जो महंगाई जो आ रही है वो महंगाई के वजह से बहुत बड़ी नुकसान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कुल हिंद नायब सदर जनाब दस्तगीर आगा साहब। इन्होंने बड़े बेबाकी के साथ पूरी तफसीलवार तमाम मसाइल किस तरह से जो है साजिश है या कॉन्स्परेसी है इस पर रोशनी डालने की कोशिश की। यहाँ पर इत्तेहाद न्यूज़ के स्टूडियो में हम हर 2 दिन को एक मेहमान को लाएंगे, यहाँ पर जो है मौजूदा हालात पर मुख्तलिफ मसाइल पर या मसाइल पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।